अभी हम बेल इंडिकेटर के बारे में अध्ययन करते हैं। ये दो डिमोंस्ट्रेशन मॉडल है, एक लेफ्ट साइड में है, दूसरा राइट साइड में है। लेफ्ट साइड वाला जो डिमोंस्ट्रेशन मॉडल है और राइट साइड वाले डिमोंस्ट्रेशन मॉडल में अंतर ये है कि राइट साइड में जो है इंडिकेटर अभी जल रहे हैं और कोई आवाज़ नहीं आ रही। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दो और तीन, एक दो तीन है। जब अटेंडेंट उस कमरे को अटेंड करने जाएगा तो वो एक काले बटन को दबा देगा, तीन नंबर का बटन दबाओ, तो ये अब लाइट बंद हो गई, अटेंड करने चला गया। यदि दूसरा अटेंडेंट आता है और वो कमरा नंबर दो में जाता है तो वो पहले दो नंबर का दबा देगा, दबाइए। इसी तरीके से अब अगर मान लो रूम नंबर तीन ने दोबारा कॉल कर लिया तो तीन नंबर का बटन दबाइए। जब तीन नंबर का बटन दबाया तो इंडिकेटर जल गया, अटेंडेंट या नहीं है, परंतु अब ये इंडिकेटर बताएगा कि भाई तीन नंबर वाले ने दोबारा कॉल किया है। अब दो नंबर वाला भी यदि कॉल करता है तो दबाइए। इस तरह से ये बेल इंडिकेटर काम कर रहा है। अब रूम नंबर एक को अटेंडेंट अटेंड करने जाएगा तो रीसेट करेगा बटन को, ये चला गया। इस तरह से बेल इंडिकेटर काम करता है। अब लेफ्ट साइड वाले बेल इंडिकेटर को देखेंगे, इसमें अगर अटेंडेंट वहाँ है तो ही उसको पता लगेगा कि कौन से कमरे से बुलावा आया है, बटन दबाइए। यहाँ पहला बटन दबाया S1, तो S1 के साथ में L1 बल्ब जला और घंटी बजी, परंतु जैसे ही वो स्विच बंद किया तो बल्ब भी बंद हो गया। अब अटेंडेंट को ये पता नहीं कि कौन से कमरे से घंटी बजी है। से रूम से अगर कोई बुलाना चाहता है तो S2 बटन दबाइए, तीसरे कमरे से बुलाता है तो S3, चौथे से S4। इंडिकेटर चालू कैसे होता है, इसके लिए यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है। जब बटन दबाते हैं तो ये लोहे की पत्ती जो है ऊपर जाती है और इस स्विच को ऑपरेट कर देती है। काले बटन से ये स्विच रीसेट होता है और इस तरह से ये जो है रीसेट किया जाता है। कनेक्शन डायग्राम देखें तो फेज और न्यूट्रल यहाँ आ रहे हैं। तीन कनेक्शन का टर्मिनल है, ये बेल पुश बटन है, ये कॉयल है, ये नियॉन इंडिकेटर है और ये स्विच है जिसको काले बटन से रीसेट किया जाता है। स्विच ऑन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से ऑन होता है। तो इस तरह से हमने जो है दो तरह के बेल इंडिकेटर का अध्ययन किया। आपने वीडियो देखी, धन्यवाद।